होणे याबाबत संदेश दिला आहे. सातारा जिल्हाधिकारी श्वेता सिंगल यांनी दक्षता जनजागृती सप्ताहानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात सर्वांना आवाहन केले. लाच देणे लाच घेणे हा गुन्हा आहे. लाच देणार नाही आणि घेणार नाही हे व्रत पाळा. प्रलोभनापासून दूर राहा आणि आपल्या कुटुंबाची आणि स्वतःचीही झोप उडवून आयुष्य उद्ध्वस्त न करता शांत झोप लागेल असे काम करा असा लौकिक संदेश दिला. ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर पासून पर्यंत आम्ही दक्षता जनजागृती सप्ताह आयोजित करत आहे आणि ह्या सप्ताहाचे निमित्ताने सगळे ऑर्गनायझेशन्स सिटीजन्स आणि सरकारी कर्मचारी अधिकारी सगळ्यांना सहभागी व्हायचे. मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है. मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है. मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठ के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए. अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा, ना तो रिश्वत दूंगा और ना ही रिश्वत दूंगा. सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा, जनहित में कार्य करूंगा, अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा. भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा. जय हिंद.